गुड इवनिंग एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। तो लास्ट वीडियो में डे फोर में हम ट्रांसलेशन रिपीट टूल कर चुके थे, आज हम करेंगे सर्कुलर रिपीट टूल। सर्कुलर मीन्स ट्रांसलेशन रिपीट टूल में क्या होता था, हम कोई भी नोट्स या मेम्बर या प्लेट कोई भी एलिमेंट हम ट्रांसलेट करते थे या तो एक्स डायरेक्शन में, वाई में या जेड में। बट सर्कुलर रिपीट में हम क्या करते हैं, सर्कुलर रिपीट किसी चीज़ के अबाउट रोटेट कर सकते हैं रिपीटेशन को। तो आइए देखते हैं कैसे हम सर्कुलर रिपीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एग्जांपल ऐसे कि सर्कुलर है आपका ये रिंग, हमें ये बनानी है स्टैट प्रो में, और ये एक्सिस आपका है एक्स और ये है आपका वाई। अभी सर्कुलर रिंग जो है ये किसके अबाउट रोटेट हो रही है, वाई के अबाउट, ठीक है। तो ऐसी रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक रेडियस। मान लीजिए रेडियस ये है आपकी इसकी, और ये रेडियस कितनी है, ज़ूम कर लीजिए 5 मीटर है। तो हमें 5 मीटर की रेडियस बनानी होगी एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट स्पेस डे 5 और मीटर किलो न्यूटन नेक्स्ट एड बीम फिनिश। तो ग्रिड हमारी आ जाती है न्यू प्रोजेक्ट में और एड बीम हमारा टूल सिलेक्ट है, तो सिंपल 0 पे क्लिक करना है और 5 पे हमें एक रेडियस मिल जाएगी और यहाँ से हम ग्रिड को क्लोज कर देते हैं, ये मिल गई। अब हमारा इसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सर्कुलर रिपीट टूल ये है हमारा। सबसे पहले पूछ रहा है किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है ना। तो हम वाई सिलेक्ट कर लेते हैं, वाई सिलेक्ट है। उसके बाद पूछ रहा है कितना, तो हमारा ये पूरा सर्कुलर है तो 360 है, तो हम 360 कर लेते हैं 360 डिग्री। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो नंबर ऑफ स्टेप है ये क्या है, ये नंबर ऑफ स्टेप है वो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने स्टेप हैं। अगर मैं स्टेप 4 डालता हूं तो पता आप कैसा बनेगा हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारी रेडियस है, ये एक बार ट्रांसलेट होगी यहां पे, एक बार ट्रांसलेट होगी यहाँ पे और एक बार ट्रांसलेट होगी यहाँ पे, है ना। तो और ये इनको जॉइन लिंक कर देंगे तो 4 स्टेप से ऐसी शेप बनेगी। तो जितने ज्यादा स्टेप होंगे उतना ही हमारी शेप सर्कुलर बनेगी। चलिए देखते हैं कैसे। अभी मैं 4 स्टेप डालता हूँ केवल, और ये जो कर्सर है येलो कलर से, इस पर क्लिक करने के बाद हमें सिलेक्ट करना है वो नोड जिसके अबाउट रोटेट होगा, सेंटर पॉइंट, यानी जैसे कि इस लाइन का सेंटर पॉइंट क्या है, ये है हमारा। तो मैंने स्टैट में ये जॉइंट सेलेक्ट कर लिया, उसका नंबर ही आ गया। अब देखिए लिंक मैं नहीं करता हूँ, तो अगर मैं लिंक नहीं करता हूँ तो, और 4 स्टेप है मैंने कहा था 4, ये रिपीट हुआ 1 2 3 फिर 4, ठीक है। अंडो करते हैं, दोबारा हम जाते हैं और दोबारा हम ये नोट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर देते हैं कि अब क्या होगा, अब लिंक भी हो जाएगा। अंडो करते हैं, दोबारा सर्कुलर रिपीट में जाते हैं और येलो कलर से ये सेलेक्ट करते हैं। अब मैं ले लेता हूँ नंबर स्टेप 20 और लिंक कर देता हूँ, ओके। देखिए अब सर्कुलर बना है 20 से, जितना ज्यादा मैं नंबर ऑफ स्टेप लूंगा उतना ही शेप सर्कुलर बनेगी। अब हमें मान लीजिए वर्टिकल सर्कल बनाना है कोई, तो वर्टिकल लाइन होनी चाहिए हमारे पास। तो मैंने क्या किया, इस नोट को सिलेक्ट किया और ट्रांसलेट रिपीट टूल से वाई में इसको ट्रांसलेट कर दिया, वर्टिकल बन गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा रिपीट टूल, अब देखिए ये किस डायरेक्शन में रिपीट होगा, ये एक्स के अबाउट रिपीट हो रहा है। तो ये 20 लिंक येलो कर्सर से सेंटर में ये बना देता हूँ, ये देखिए। और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाते हैं तो सर्कुलर रिपीट येलो कर्सर से ये और वाई एक्सिस के अबाउट 20 लिंक, ओके, ये देखिए, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाता है।
सर्वर टर्बर में इतना ही है, थैंक यू।